हिट और रन के केस को लेकर के भारतीय न्याय संहिता जो नए सिरे से अभी इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में मानसून सेशन में, और मानसून सेशन में पार्लियामेंट के जरिए से उसको एक्सेप्ट करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया और 25 दिसंबर 2030 को उनके जरिए से अप्रूवल किया गया। और अप्रूवल की खबर आते ही जैसे ही सोशल मीडिया में BNS यानी भारतीय नागरिक संहिता सोशल मीडिया में PDF के जरिए से आई और उसको पढ़ने के बाद कई एक लोगों के दिमाग में वहम और शको शुभात पैदा हुए, खास तौर से सेक्शन 106 हिट एंड रन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान लोग होने लगे। और परेशानी के साथ साथ उस पे ड्राइवर एसोसिएशन के जरिए से ये कहा गया कि ये सेक्शन गलत तरीके से इम्पोज किया गया है, यानी हिट एंड रन के केस में 10 साल के सजा का जो प्रावधान किया है वो गलत है, और उसको लेकर के नए साल की शुरुआत में ही प्रदर्शन जारी हो गया और लगातार लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और कई परिवहन डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर्स के जरिए से ये लेटर जारी करके कर्मचारियों और ड्राइवरों को दोबारा काम पे वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि अभी ये एक्ट लागू नहीं हुआ है, जब लागू होगा तो इसके बारे में समझाया जाएगा और इसकी चीजें इम्प्लीमेंट जब होंगी तभी विस्तार से समझ में आएगी। हालांकि कानून बनाते समय किसी भी तरह का एडवाइजरी लोगों से नहीं लिया गया, IPC, CRPC और एविडेंस को रिप्लेस करने के लिए किसी भी तरह का राय पब्लिक से और आवाम से नहीं लिया गया और ना ही ला कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से इस बारे में कोई इनविटेशन ही ली गई और ना ही ड्राफ्ट और बिल को पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया कि जिससे उसके प्रॉब्लम्स और उसमें क्या क्या कठिनाइयां आएंगी और क्या क्या चीजें उसमें स्मूथ करने के लिए, अमेंड करने की, ओमिट करने की, रिप्लेस करने की, ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये चीज शेयर ही नहीं की गई। तो जब शेयर नहीं की गई तो पब्लिक डोमेन से ओपिनियन भारत सरकार के पास या ला कमीशन्स के पास नहीं पहुंच पाई, इसलिए लोग जब पहली बार सेक्शन 106 BNS को देखा तो उनके दिमाग में शको शुभात और बढ़ गए कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं और जो यहां बना रहे हैं यानी भारतीय कानून जो कट कॉपी पेस्ट के जरिए से भी बनाई जा रही है उसमें इस तरह से जटिलता ला रहे हैं और कठोर पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। इसलिए तमाम एसोसिएशंस के लोगों ने भारत बंद करने का आह्वान किया। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो लगातार स्ट्राइक करने की बात की और पूरी जनवरी की नोटिफिकेशन दिया कि हम लोग स्ट्राइक पे लगातार रहेंगे। जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया, चीजें महंगी हो गई, पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई, और साथ ही साथ अगर देखें तो जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ती थी ट्रांसपोर्टेशन पैलेस पे, वहां पे लगातार जाम लग गया। इस ठंडक के माहौल में लोग अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रांसपोर्टेशन के खराब सुविधाओं की वजह से बहुत ट्रबल में आ गए और नए साल की शुरुआत में ही
ये एक बड़ा झटका लग गया। हालांकि रिसेंट में 2024 का चुनाव जो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होना है और दिल्ली की नई सरकार का गठन होना है, इस तरह से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत में ही एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और संगठित धरना प्रदर्शन हुआ है। हालांकि इसको सरकार समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है कि अभी ये एक्ट और सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जब इंप्लीमेंट होगा तब इसको विस्तार से समझा और समझाया जाएगा। हालांकि अभी भी ड्राइवर एसोसिएशन इस बात को मानने को लेकर के तैयार नहीं है कि जब पार्लियामेंट के जरिए से मंजूर कर दिया गया और राष्ट्रपति के जरिए से उसको अप्रूवल दे दिया गया तो अब इसका इनेक्टमेंट कभी भी हो सकता है और कभी भी बीजेपी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। इसलिए लोगों के दिमाग में संतुष्टि की संभावनाएं कम बन रही है और वो लगातार एजिटेशन सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य अदर वेज से करते चले आए हैं और प्रदर्शन भी लगातार जारी किए हुए हैं।